तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपके साथ में रीजनिंग का अपडेट दिया था। देखिए, आज फिर से मैं आपके साथ में रीजनिंग का अपडेट दे रहा हूँ। उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग होगा और आपको इसमें कुछ न कुछ तर्क सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैं कहूँगा एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये सब रीजनिंग को आप एक बार ट्राई कीजिए। चलिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। वैसे दोस्तों, इसका मैं PDF दे दूँगा, लिंक आप देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ये सारा, और इसको आप बनाइए और आप कितना सही करते हैं ये आप कमेंट कीजिए। देखिए, ये 5 क्वेश्चन है। आज मैं फिर आपके साथ ये 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा, देख लीजिए। चलिए, वैसे मैं इसका PDF दे दूँगा, छोटा सा PDF होगा, इसको आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहला देखिए, यह आपका क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए, इस तरह से दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका क्वेश्चन है इस तरह से। देखिए, ये डाटा दिया गया है और देखिए इसमें कहता है यहाँ क्या होगा। देखिए, इधर जो सीक्वेंस चलेगा उसी तरह से यहाँ भी आपको क्या आएगा वो चीज़ फुलफिल करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तर्क क्या लगा है वो आपको मैं डायरेक्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, देखिए ये क्या क्या है, इसको इसको गुना किया, इसको इसको गुना कीजिए, 80 हो जाएगा। 8 को देखिए इधर लिख दिया और 0 को इधर लिख दिया, इसको इसको गुना कीजिएगा तो 963। तो देखिए, 6 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया। अब देखिए, इसको इसको गुना कीजिएगा, 48। तो देखिए, 4 इधर लिख दीजिएगा, 8 इधर लिख दीजिएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको देखिए ये लेटर दिया गया है LINE, और देखिए ये लिखा गया है FOPJMN। अब देखिए, ये जिस सीरीज से बनेगा उसी सीरीज से ये भी बनेगा और इसको भी बनाना है। तो देखिए, आपको मैं डायरेक्ट इसका तर्क बता दे रहा हूँ, इसे आपसे सिंपल वे में ये नहीं बनेगा। यदि आप कॉमन माइंड लगाएंगे तो थोड़ा इसमें विशेष सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या क्या है, कॉन्सोनेंट और वोवेल, कॉन्सोनेंट और वोवेल जो है उस पर इसको अलग कर दिया। तो क्या क्या है दोस्तों, देखिए वोवेल AEIOU होता है 5, AEIOU। अब देखिए क्या क्या है, इसको समझ लीजिए एक बार, बाकी जो बचा वो आपको कॉन्सोनेंट हो गया। तो देखिए, इसको क्या क्या है, जैसे लिखा गया है LINE, ये चीज़ लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या है, जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है। अब देखिए, आपको मैं तर्क इसका बता दे रहा हूँ, इसे आप कर लीजिए। जैसे देखिए, अब यहाँ क्या क्या है, जैसे देखिए ई आपका हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका वोवेल, वोवेल में एक बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा एफ। अब देखिए, ये आपका कंसोनेंट में 2 अक्षर इसे बढ़ा के लिखिए, यानी ये हो गया आपका 14, तो 15 लिखिएगा, उसके बाद 16 लिखिएगा, यानी OP। अब देखिए, ये हो गया आपका वोवेल में 1 बढ़ाइए, आई है तो जे हो जाएगा 1। अब देखिए, ये आपका सुनेट हो गया, फिर 2 बढ़ाइए, तो ये हो गया 12, 13, 1, 14, इस तरह से इसको भी बढ़ाइए। अब देखिए एफ, चलिए 2 है दोस्तों, TWO 2 को बढ़ाना है। तो देखिए, ये हो गया आपका वोवेल में कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, ये हो जाएगा OP। अब देखिए, ये हो गया आपका कंसोनेंट में 2 बढ़ाना है, यानी 2 आगे बढ़ना है, तो WXY, ये भी हो गया आपका कंसोनेंट, तो टी के बाद UV। तो देखिए इस तरह से, अब इसको भी देखिए क्या करना है, इसको इसी पैटर्न पे बनाना है। तो देखिए, लिखा गया CAR, तो दोस्तों ये हो गया आपका क्या, कंसोनेंट में 2 बढ़ाना है, तो आर के बाद एस के बाद टी, 2 बढ़ाना। अब ये हो गया आपका वोवेल में 1 बढ़ाना है, ये हो गया ए के बाद होता है बी, ओनली 1 बढ़ाना है। अब देखिए, ये हो गया आपका कंसोनेंट हो गया, कंसोनेंट में कितना बढ़ाना, कंसोनेंट में बढ़ाना आपको 2 बढ़ाना, सी के बाद डी, उसके बाद ई। तो इस तरह से आपका आंसर देख लीजिए, STBDE, STBDE, चलिए देख लीजिए STBDE, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ कहता है क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। देखिए, इसको इसको जोड़िएगा तो 15 प्लस
17, ये हो जाएगा जोड़ के 32। 32 को पलट के लिख दीजिएगा 2 3। अब देखिए इस तरह से इसको जोड़िए, 8 6 14, 8 6 14, 7 1 8 1 9। इसको भी क्या कीजिए, उल्टा के लिख दीजिए 49। इसको भी इसको जोड़िए, 7 3 10, 7 3 10, और 2 2 4 1 5। इसको भी उल्टा के लिख दीजिए 0 5। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों देख लेते हैं, 4 नंबर। तो दोस्तों देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान है। इसको इसको गुना कीजिएगा, 4 5 6 20, 4 5 6 20, 8 6 32 जोड़िएगा तो हो जाएगा 52। इस तरह से इसको भी करना है, 8 6 48, 8 6 48, 15 5 75, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 123। इस तरह से इसको भी करना है, 9 2 9 2 18, इसको इसको कीजिएगा तो 9 2 18, 9 8 72, 9 8 72, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 8 1 9 90। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आसानी है। तो दोस्तों देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। देखिए आपको मैं इसका भी प्रोसेस ही डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें आपको टाइम नहीं लेने का प्रयास करूँगा। देखिए क्या क्या दोस्तों इसमें, ये आपसे बन जाएगा बिल्कुल। इसको देखिए स्क्वायर किया है, 34 को स्क्वायर कर दिया है और 22 को स्क्वायर कर दिया। 34 के देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1156 होगा। और देखिए दोस्तों 22 को स्क्वायर कीजिए, 484 होगा। इसको घटाइएगा तो देखिए ये आ जाएगा 672, घटाइएगा तो आ जाएगा। अब देखिए उसी तरह इसको करना है, 42 का स्क्वायर करना है, उसमें से 18 का स्क्वायर घटा, 42 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 42 का स्क्वायर कीजिएगा तो चलिए दोस्तों 42 का स्क्वायर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 17 6 4, और देखिए 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 2 4 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 1440 आ जाएगा, 1440 आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसी तरह इसको करना है, 53 का स्क्वायर करना है, 53 का स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर घटा देना, 53 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 2809। आप 25 का स्क्वायर कीजिए 625, इसको घटा दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 2184। ये बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ये बिल्कुल आसान था। तो दोस्तों आपको मैं ये सारे रीजनिंग का अपडेट दे दिया, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो आते हैं, तब तक ले जय हिंद।